ह्यूमन फिजियोलॉजी, एज यू कैन सी हमने यहाँ पर ये ह्यूमन हार्ट की डायग्राम ड्रॉ की हुई है। हम इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टिव डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिसको कहेंगे पेरिकार्डियम। इट इज़ अ डबल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड हार्ट। पेरिकार्डियम में मौजूद होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियम का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, जबकि पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। सो पेरिकार्डियम इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। It prevents overextension of heart, whereas pericardial fluid, it provides lubrication. उसके बाद heart की wall की तरफ आ जाते हैं। ये जो हमें structure नजर आ रहा है, this wall of heart, wall of heart is composed of actually three layers, और ये तीन layers कौन कौन सी हैं? इनमें से एक layer outermost है। जो outermost layer है उसको हम कहेंगे epicardium। उसके बाद middle layer को कहेंगे myocardium, और इनर मोस्ट लेयर को कहेंगे एंडोकार्डियम। सो हार्ट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट, मायोकार्डियम मिडल लेयर है, और मायोकार्डियम कंटेन्स कार्डियक मसल्स। सो हम कह सकते हैं कि जो हार्ट की फंक्शनल लेयर है, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जिसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना, तो ये पंपिंग एक्शन अचीव हो रहा होता है बिकॉज ऑफ मायोकार्डियम, इसमें कार्डियक मसल्स होंगे। और लास्ट लेयर है एंडोकार्डियम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। एंडोथीलियल सेल्स मौजूद होंगे यहां पर। जो कार्डियक मसल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स, अनलाइक स्केलेटल मसल्स, दे आर ब्रांच्ड, एंड लाइक स्केलेटल मसल्स दे आर स्ट्राइप्ड, बट स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइप्स रेगुलर हैं, यहां पर स्ट्राइप्स इरेगुलर होंगी और ये ब्रांच्ड होंगे। मोर ओवर कार्डियक मसल्स में यहाँ पर कुछ, जिस फॉर एग्जाम्पल ये जहाँ पर ब्रांच बन रही है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क्स। और इन इंटरकैलेटेड डिस्क्स के अंदर इस तरह डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मौजूद होते हैं बिटवीन द सेल्स। ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं बिटवीन द सेल्स, इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को कहा जाता है गैप जंक्शंस। दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, तो ये इंटरकलेटेड डिस्क्स में मौजूद होंगे। कार्डियक मसल फाइबर्स का ये स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट इन मायोकार्डियम। उसके बाद हम हार्ट के चैम्बर्स का जिक्र करते हैं। एज यू कैन सी देर आर फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। दीज टू आर एट्रियम एंड दीज टू आर वेंट्रिकल्स। सो देर आर फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। फोर
चैम्बर्स में दो एट्रिया एंड दो वेंट्रिकल मौजूद होंगे, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम कंटिन्यू हो रहा होगा राइट वेंट्रिकल के साथ और लेफ्ट एट्रियम कंटिन्यू हो रहा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। ये हार्ट के फोर चैम्बर्स हैं। अब हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स हैं और सराउंडिंग में एट्रिया की वॉल्स हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल की वॉल्स में जो ज़्यादा थिकर वॉल्स हैं दे आर ऑफ वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स में भी जो मैक्सिमम थिकनेस है दैट इज वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दे आर 3 times मोर थिक देन द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स 3 times मोर थिक होंगी। लेट्स मेंशन दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। चैम्बर्स के बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जिसकी हम बात करेंगे दे आर वेल्व्स। वेल्व्स आर ऑल्सो 4। वेल्व्स कहां कहां पर है? फर्स्ट वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, लेट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वेल्व है इसके 2 cusps होते हैं। इस वेल्व को कहा जाएगा बाइकस्पिड वेल्व। इसका दूसरा नाम मिट्रल वेल्व भी है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी वेल्व मौजूद है लेकिन इसके 3 flaps होंगे। इसको कहा जा रहा होगा ट्राई कस्पिड वेल्व। इन दोनों वेल्व्स को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं एवी वेल्व्स विच आर 2। तो वेल्व्स की फर्स्ट टाइप हो गई एवी वेल्व्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। सेकंड जो वेल्व्स हैं जो बाकी के 2 हैं वो कैसे मौजूद होंगे? राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल किस में कंटिन्यू हो रहा है? ये राइट वेंट्रिकल कंटिन्यू हो रहा है पल्मोनरी ट्रंक में और पल्मोनरी आर्टरीज में। सो राइट वेंट्रिकल इट कंटिन्यूज इनटू पल्मोनरी ट्रंक। लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कंटिन्यू हो रहा होता है एओर्टा में, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड हियर यू कैन सी दिस लेफ्ट वेंट्रिकल इट कनेक्ट्स विद एओर्टा। अब जहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के साथ कनेक्ट कर रहा है वहां पर भी हम ये एक वेल्व देख रहे हैं। इसी तरह जहां पर ये राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक के साथ कंटिन्यू हो रहा है यहां पर भी एक वेल्व मौजूद है। इन दोनों वेल्व्स को कलेक्टिवली कहा जाएगा सेमी ल्यूनर वेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर हाफ मून शेप। ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स में जो वेल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान मौजूद है इस सेमी ल्यूनर वेल्व को कहा जाएगा पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। और वो वेल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में मौजूद होगा इस वेल्व को कहा जाएगा एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कह रहे होंगे सेमिल्यूनर वेल्व्स। सो देयर आर 4 valves ऑफ हार्ट। वेल्व्स का बेसिक फंक्शन क्या है? वेल्व्स प्रिवेंट
बैक फ्लो ऑफ ब्लड. वेल्व लाइक अगर ये ट्राइकस्पिड वेल्व है तो इसका बेसिक फंक्शन यह है कि इसने राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड को बैक फ्लो नहीं करने देना. बाइकस्पिड वेल्व है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं आने दे रहा होगा ब्लड को. और सेम इज द केस विद पल्मोनरी एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व्स. वेल्व्स के बाद नेक्स्ट जो चीज है दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेप्टा. व्हाट इज सेप्टा? आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से कंप्लीटली पार्टीशनड है. राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से कंप्लीटली पार्टीशनड है, दोनों के दरमियान कोई भी कनेक्शन मौजूद नहीं है. राइट और लेफ्ट साइड्स का जो ब्लड है वो कभी भी मिक्स नहीं हो रहा होगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेप्टा. तो हार्ट में टोटल सेप्टा 2 हैं, एक राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान सेप्टा मौजूद है, उसको हम कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टा. ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में ये सेप्टा मौजूद है. इसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी पार्टीशन है, इस पार्टीशन को कहा जा रहा होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा. राइट, सो दीज आर टू सेप्टा दैट आर प्रेजेंट विद इन हार्ट. अब हार्ट की राइट और लेफ्ट साइड्स में इट इज एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम कि जो हार्ट की लेफ्ट साइड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सॉरी राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. हार्ट में जो लेफ्ट साइड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही होती है फ्रॉम दीज फोर पल्मोनरी वेन्स, और ये फोर पल्मोनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो रही होती हैं. तो दीज आर एक्चुअली पल्मोनरी वेन्स एंड देयर टोटल नंबर इज 4. जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है यहाँ से ये मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. जब ब्लड मूव कर रहा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ये वेल्व्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड एओर्टा में एंटर होगा और बॉडी को सप्लाई किया जा रहा होगा. ये जो वेल्व्स हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, इनके साथ इस तरह थिन कॉर्ड्स अटैच होते हैं और ये कॉर्ड्स अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स की वॉल्स की एक्सटेंशन के साथ जाकर जुड़ जाते हैं. सिमिलरली हेयर आल्सो ये वेल्व्स इस तरह कॉर्ड्स के साथ जुड़े होंगे और ये कॉर्ड्स वेंट्रिकल्स की वॉल्स की एक्सटेंशन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे. सो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स आर अटैच्ड टू वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल थ्रू दीज थिन कॉर्ड्स. ये जो थिन कॉर्ड्स हैं जो कि वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स को अटैच कर रहे हैं वेल्व्स के साथ, इनको कहा जाता है कॉर्डे टेंडनी. और वेंट्रिकल्स की वॉल्स की वो एक्सपेंशंस जिनके साथ ये अटैच होते हैं या जिनके साथ ये जुड़ते हैं आके, दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज पेपिलरी मसल्स. सो वेल्व्स आर अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल
थ्रू कॉर्ड्स विच आर कॉल्ड एज कॉर्डेड टेंडिने एंड दीज आर अटैच्ड टू द एक्सटेंशंस ऑफ वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल विच आर कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स. राइट, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा एओर्टा में. एओर्टा की सबसे पहले बेस है, कुछ ब्रांचेस यहाँ से निकल रही होती हैं जिसको कॉरोनरी आर्टरी कहते हैं. फिर एओर्टा असेंडिंग एओर्टा बन जाती है, आर्च बनाती है. इनफैक्ट दिस इज असेंडिंग एओर्टा और इस असेंडिंग में ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा. इसमें से हम देख सकते हैं इस आर्च में से ये थ्री आर्टरीज इमर्ज हो रही हैं. ये तीन आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं हेड नेक रीजन को. ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं शोल्डर्स को और ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं आर्म्स को. और उसके बाद एओर्टा डिसेंड कर जाती है और ब्लड सप्लाई कर रही होती है टू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसको हम सर्कुलेशन ऑफ हार्ट में स्टडी करेंगे. इसको कहा जाता है डिसेंडिंग एओर्टा. जो डिसेंडिंग एओर्टा है ये बाकी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी और ब्लड पूरी बॉडी से रोटेट होके इवेंचुअली आ जाएगा हमारे पास वीना कैवा में. इन्फीरियर वीना कैवा एंड सुपीरियर वीना कैवा. अपर बॉडी से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वीना कैवा से एंटर हो जाएगा राइट एट्रियम में. दिस इज द ओपनिंग ऑफ इन सुपीरियर वीना कैवा. लोअर बॉडी से जितना भी ब्लड आ रहा है वो एंटर हो जाएगा इन्फीरियर वीना कैवा. ठीक है, इन्फीरियर वीना कैवा ये भी ओपन हो रही होगी राइट एट्रियम में और अपर बॉडी से जितना भी ब्लड है ये आ रहा होगा सुपीरियर वीना कैवा से और ये एंटर हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम सॉरी राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से ब्लड पंप होगा, वेल्व्स ओपन होंगे, ब्लड विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा और ये ब्लड एंटर हो जाएगा इस स्ट्रक्चर में. दिस स्ट्रक्चर विच इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड विच इज डीऑक्सीजनेटेड ये आ जाएगा इन दो आर्टरीज में. दीज टू आर्टरीज आर कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरीज. दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स लंग्स. ठीक है, दिस इज फर्स्ट पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज सेकेंड पल्मोनरी आर्टरी और ये ब्लड लेके जा रही होंगी टूवर्ड्स लंग्स. लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेट होके वापस आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स में और इस तरह ये सर्किट चलता रहेगा. सो दिस वॉज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जिसमें हमने हार्ट की वॉल, चैम्बर्स, वेल्व, सेप्टा और हार्ट के साथ एसोसिएटेड वेसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन या हार्ट जिस तरीके से ब्लड पंप कर रहा होता है उस मैकेनिज्म को.